शिक्षा को अगर कहें कि सही मायनों में अर्थपूर्ण ढंग से अगर हम शिक्षा बच्चों को देना चाहते हैं तो उसमें तीन पिलर हैं, जैसे मैं कहूँगा तीन स्तंभ है, आधार स्तंभ है। एक जो है शिक्षक, दूसरा विद्यार्थी और तीसरा माता पिता जो है। सारे बच्चे होशियार होते हैं, सारे बच्चों का माइंड शार्प हो सकता है। अगर एक क्लास अच्छी है तो सारी क्लासेज अच्छी हो सकती हैं। वो सारा डिपेंड करता है टीचर के ऊपर, वो टीचर कैसा है, कितने एफर्ट्स कर रहा है बच्चों के लिए। सबके साथ पढ़ने में तो और ही मजा है। साथ पढ़ने में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, उसका जो समाधान है वो तुरंत हो जाता है। अगर मेरे पे नहीं आता तो दूसरा बताएगा, दूसरे पे नहीं आता तो तीसरा बताएगा। अगर बच्चों का ग्रुप बना दिया जाए तो वो बच्चे ज़्यादा लर्निंग, उनकी लर्निंग जो है बढ़ जाती है काफ़ी। मैं भी इनको इसी हिसाब से पढ़ाता हूँ कि बच्चों का ग्रुप बना के, पाँच बच्चों का ग्रुप बना के, एक उसमें लीडर होता है और बाकी ग्रुप्स के साथ, तो वो अच्छा पिक कर लेते हैं बच्चे। इंक्लूसिव एजुकेशन आज की ज़रूरत हो गई है, नीड ऑफ द आवर्स है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम कितने स्कूल, हमने फिर हम तो अलग अलग स्कूल खोलने पड़ेंगे, जो डिफरेंटली एबल्ड विद लेग्स हैं उनके लिए अलग, और फिर आइज के लिए अलग, ईयर्स के लिए अलग, और फिर तो हम इतने कैटेगरी बन जाएगी, सोसाइटी टूट जाएगी। लॉन्ग स्टोरी स्टार्ट करें। ये कहानी है एक बहादुर विट्टो की। किसकी है? मुझे लगता है सबसे इंटरेस्टिंग तरीका है कि जिससे हम हर एज ग्रुप को एक साथ उस कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। एक दिन एक बेचारा थका हुआ किसान अपने खेत जा रहा होता है, कैसे और बेचारे को दोनों से कौन मिलता है? और एक ही कंसेप्ट नहीं, हम इससे जैसे अभी मैंने बहादुर वित्तो का चैप्टर उनको पढ़ाया तो उससे वो एनिमल्स नेम, उनके साउंड और वो स्टोरी तो उनको क्लियर हो ही जाती है, तो डिफरेंट टॉपिक उन्हें एक साथ क्लियर हो जाते हैं और वो भी विद इंटरेस्ट। जैसे विकलांग बच्चा चढ़ नहीं पाता है जी। उसको नीचे ही प्रोवाइड किया जाए रूम, उसकी अगर चेयर उस बैठने लायक नहीं है, फ्लैट में बैठना चाहता है तो फ्लैट ही उपलब्ध कराई जाए उसको। ये नहीं कि अगर वो चेयर पर, अगर बेंच पर नहीं बैठना चाहता है, नहीं बैठ सकता है, तो अगर उसको स्पेशल कुर्सी भी अगर प्रोवाइड की जाए तो वो भी कराया जाए। जो पांच हमने समितियां बनाई हैं, जो साठ के साथ मिलके विद्यालय के समस्त जो कमेटी के मेंबर हैं, इसमें पांच छह बच्चे हैं। बाल समूह हमारे स्कूल में हर बच्चे की मदद करता है। बाल समूह के पांच मुख्य कार्य हैं। पहला, खाना अच्छा मिले। दूसरा, लड़ाई ना करें। तीसरा, साफ सुथरा रखें। चौथा, किसी बच्चे पे कोई जुर्म ना हो। पाँचवा, कमज़ोर बच्चों पे जुर्म मदद, कमज़ोर बच्चे की मदद करें। तो हमारी इसलिए समिति बनी है कि जो हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी ये जो त्यौहार आते हैं, इनमें जो जना भाग नहीं ले पाता, मतलब वो गाने वाने में है ना, उसका उनको हम हौसला देते हैं कि आप भी इनको कर सकते हो। ये बाल समूह इसलिए बनी है क्लासों में गंदा ना करें, बाहर जो बच्चे ना पढ़ पा रहे हैं, जो दुकानों में काम कर रहे हैं, उन सबको स्कूल में डाला जा सके। और अगर कहीं पे भी अगर हमारे स्कूल में खाना गंदा आ रहा है, किसी में कीड़ा निकल रहा है, किसी कोई गंद वो सड़ी हुई है, तो इसलिए हम प्रिंसिपल को बोलते हैं। एक बार बोला था इतना वाला कीड़ा भी निकला था, केचुआ निकला था, हमने खाना वापस करवा दिया सर जी से बोल के, फिर दूसरा खाना मंगवाए थे। एक लड़के को ना हमारी क्लास में इंग्लिश नहीं आ रहा था, तो फिर आर्यन ने मदद की थी उसकी। हम उसे सिखाएंगे, और सर जी से बोलकर किताबें मंगवाएंगे उसके लिए, और उसको अगर पढ़ा ना आता हो तो हम पढ़ा सिखाएंगे। जो हमें खाना ठीक से नहीं मिल रहा तो हम इसमें लिख के डालते हैं, हमें क्या कोई टीचर पसंद नहीं है तो हम इसमें लिख के डाल देंगे। खेल का सामान, हमें खेलने का मन कर रहा है तो कुछ, तो हम इसमें लिख के डाल देंगे। किसी बच्चे के चोट लग जाती है तो हम दवाई लाते हैं, और मैं शाला विकास प्रबंधन जो हमारी कमेटी है उसमें आप सभी का स्वागत करती हूँ। के अंतर्गत जो नए सुझाव हम आपसे मांगेंगे या आपके अपने सुझाव हैं वो हमें बताएं, ताकि हम उन्हीं के अनुसार अपने जो विद्यालय की है वो रूपरेखा बनाएं और उसको ढंग से कार्यान्वित करें। स्कूल को खुले हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, बच्चे ऑल द टाइम जो है टॉयलेट को होल्ड करे हुए रहते हैं, इससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं।
खास करके लड़कियों को। तो मेरा सबसे पहला मानना है कि टेम्परेरी टॉयलेट की इंस्टेंट व्यवस्था की जाए। देखिए बिल्डिंग तो बनती रहे और हम चाहते हैं कि स्कूल के बाहर स्कूल की छुट्टी के टाइम पर बहुत सारी ठेलियाँ गाड़ी पार्क होती हैं स्कूल के सामने, वो हटाई जाए वहाँ से। एसएमसी में 16 मेंबर हैं निर्धारित, जो है दिल्ली सरकार ने जो निर्धारित किया है उसमें जो है, और 3/4 उसमें अभिभावक हैं उसमें जो चीज़ है, और उसमें एक निगम पार्षद का पदेन है और जो प्रधानाचार्य है उसके अध्यक्ष हैं, एक कन्वीनर है, एक साइंस और मैथमेटिक्स के टीचर मीटिंग में आ सकते हैं। तो कुल 16 मेंबर हैं और एक क्षेत्रीय एक एजुकेटर है जो एजुकेशन के फील्ड में संबंधित है, और कोई भी गणमान्य व्यक्ति को हम इन्वाइट कर सकते हैं अपने क्षेत्रीय में जो होते हैं। तीसरी बात, स्कूल के बाहर 100 मीटर तक कोई सिगरेट पान बीड़ी की दुकान नहीं होनी चाहिए। आपने तीन बात कही, हाँ जी आपने बच्चों के बैठने की बात कही, ठीक है आपने बच्चों के पढ़ने की लिखने की आने जाने की सब बात कही। तो यहाँ से लड़कियाँ निकलती हैं, हम खड़े होते हैं बाहर और लड़कियों को सुरक्षित निकालते हैं, लड़के सामने खड़े के खड़े रह जाते हैं। पुलिस को भी लिखा हुआ है, पुलिस को भी हमने कह रखा है देखो हम हटवा देंगे कुछ पल के लिए, क्योंकि मैं तो अपने अंदर आ जाऊंगी, लेकिन आप हर वक्त के यहाँ के रहने वाले हो, इस चीज पे आप ज्यादा जोर दे सकते हो। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि सभी बच्चे एक समान ढंग से बढ़े, तो बिना भेदभाव करके सभी के लिए उनके समस्या को जान कर उनके अनुरूप शैक्षणिक वातावरण बनाने का हम प्रयास करते हैं, और माता पिता से इस संदर्भ में हम सतत संवाद स्थापित करते हैं। आना तो सबसे पहले मैं ही चेक करते हैं, हम स्कूल में करते हैं उसमें हम भी चेक करते हैं, मैं चेक करता हूं, सामने से कोई टीचर भी नहीं है, और एक टीचर का 70 क्लास है 50 क्लास है उसका क्या हुआ, बच्चे रुकते नहीं है, बच्चे बाहर जाएंगे, इस समस्या को भी हल करेंगे। आप एलजी को लिखिए, आप चीफ सेक्रेटरी को लिखिए, आप मांगिए अपने राइट। आपने मैंने आपकी समस्याएं सुनी, आपने मेरी समस्याएं सुनी, और हम दोनों ने मिलकर इनका समाधान ढूंढा, क्योंकि ना मैं अकेली काम कर सकती हूँ ना आप कर सकते हो विकास के लिए, और आपकी अगर कोई समस्या जो और हो तो मुझे बता दीजिए, आप लिख के दे जाइए, मैं आगे उसे फॉरवर्ड करूंगी। और इसके साथ ही हम जो है, मैं आपका, आपने अपना कीमती समय दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और इस सभा का समापन करती हूँ। आपको लगता है कि आपका कोई भी सुझाव है जो इस मीटिंग के अलावा भी रह गया है, तो आपको या तो खुद अपने आप लिख के इस पेटिका में डाल दें, या अपने बच्चे को लिख के दे दें, बच्चा डाल दें, और उनकी बात जरूर हम ऊपर तक या आगे तक जहां तक भी मैडम तक पहुंचाते हैं। हम उनको मोटिवेट करते हैं कि वो भी अन्य अभिभावकों को शिक्षा के प्रति जो है ज्यादा जिम्मेदार बनाए, अपने बच्चों के शिक्षा के प्रति जागरूक बनाए। तो इसमें हमें सफलता मिली है अभी धीरे धीरे, लेकिन इसका जो एक्चुअल होगा वो एक दो साल के बाद मिलेगा, क्योंकि हम अभी ठोस हमने जो रूपरेखा तैयार किया है उसका हम फॉलो अप एक्शन के बाद हम इसमें बता पाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये सफल होगा। विद्यालय वातावरण को बेहतर बनाने के लिए और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए हमने कुछ प्रयास किए हैं, विशेष प्रयास किए हैं। जैसे कि हमने विद्यालय में अपना एक हस्तलिखित मैगजीन निकाला है जिसका नाम तन्मय है, उसमें बच्चों की जो भी गतिविधियां होती है विद्यालय जो परिसर में जो भी शैक्षणिक गतिविधियां हैं उसका एक तरीके से डॉक्यूमेंटेशन है, तो हमने इसको एक मैगजीन के रूप में दिया है। जैसे उसमें बच्चों की कहानी हो गई, बच्चों की चित्रकला हो गया, बच्चों के जो उपलब्धियाँ हैं खेल में प्रतियोगिता में है, या अध्यापकों की जो उपलब्धियाँ हैं उनका सबका हमने उसमें समावेश करते हैं, और वो हमने साल में एक बार उसको निकालने, पूरे साल के जो अचीवमेंट होता है उसको हम निकालते हैं उसमें जो चीज़ है। तो बालक का प्रोजेक्ट एक कॉन्सेप्ट है, हम जो शिक्षा सिर्फ कक्षा कक्षा तक सीमित नहीं रखना चाहते। मेरा मानना है कि विद्यालय परिसर में ज्ञान जो है बिखरा हुआ होना चाहिए, बच्चे जहाँ से भी चाहे वहाँ से ज्ञान का अर्जन कर सके। तो हमने, हमारा प्रयास है कि विद्यालय परिसर में जो है ज्ञान का जो है हम बिखेर कर रखें, और बच्चे वहाँ से अपने मन मर्जी से उसको अर्जित कर सके, अपने व्यक्तित्व में समाहित कर सके उस ज्ञान को। उसी संदर्भ में हमने ये प्रतीक चिन्ह बनाए हैं, 13 राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो बच्चों के लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक हैं, और ये किताबों में बार बार ना देख के हम इसको यहाँ पर पिलर में हमने यहाँ पे उसको उतारा है। देखेंगे उसे बच्चे जाके पढ़ते हैं, उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप किताब खोलिए, जानिए, पढ़िए। बिल्डिंग को ही
इसको कंसेप्ट ऐसा किया जाए कि विंडो तक को भी एजुकेशन के लिए उपयोग किया जाए। विंडो में अगर बार लगे हुए हैं तो इनको काउंटिंग भी कर सकते हो। दरवाजे की लंबाई चौड़ाई करने है, डायमेंशन लेना है तो आप ज्योमेट्री सिखा सकते हो बच्चे को, मतलब हर पार्ट टाइल भी गिनवा सकते हो बच्चे। ये तो टीचर के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसको किस बेस में लेता है, किस वे में लेता है। ये तो पूरी टीचिंग एड्स हमारी रूम में ही रखी हुई है, बस हमें उसको पहचानने की जरूरत है। ऑफिस और बच्चों की देखभाल के लिए अटेंडेंट मेरी पोस्ट है। मेरा काम है ऑफिस खोलना, स्कूल लगे गेट पे बच्चों का ध्यान रखना, बाहर का कोई आदमी अंदर ना आए, बच्चे बाहर ना जाए, बच्चे इधर उधर ना भागें, चोट ना लगे। और भी शाम के टाइम जब छुट्टी होती है जब भी गेट पे ही हमारा काम होता है। रक्षा बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, बच्चों से तो हम हैं, स्कूल है, सब चीज़ है, बच्चों के बिना क्या है। साफ़ सफाई ये महत्वपूर्ण रखती है, एक तो हम सब और जितने भी बच्चे बीमारी से दूर रहेंगे और अच्छे में बैठेंगे, अच्छी शिक्षा पाएंगे। अगर मैं यहाँ पर सफाई नहीं कर पाऊँगा और तो बच्चे पढ़ भी नहीं पाएंगे और बीमार भी रहेंगे और कुछ कर भी नहीं पाएंगे।